प्रताप, कौन है वाले दिन जब तुम मुझे विदा कराने आओगे तो ये फूल लेकर आओगे मेरे लिए? तू जो कहे ले आऊंगा। नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, बस ये फूल ले आना। मैं भाभी से कह के इनका गजरा बनवा लूंगी और जब अपने मायके से विदा होंगी तो उसे पहन के विदा होंगी। ठीक है, जैसा तू कहे। कैसे हुआ ये सब? हम लोग कच्चे रास्ते से आ रहे थे। मंदिर के पीछे जो छोटा तालाब है उसके पास प्रताप ने बस रोकने को कहा और उतर गया। तभी वहां डाकुओं ने हमें घेर लिया। जब प्रताप ने ये देखा तो उनसे भिड़ गया और उस रास्ते में गोली मार दी छोरे को।
क्या इस दुनिया में हमेशा से माँ के दर्द की कहानियां सुनाई जाती है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाप का प्यार अपनी औलाद के लिए कम हो जाता, चिंता कम हो जाती। मैंने तो सिर्फ वही किया बेटा जो तेरे भले के लिए था। मैं जानती हूँ बापू, सच्ची बोलू तो कभी कभी गुस्सा आता था, लेकिन बापू मैं कभी नहीं भूली और ना ही कभी भूलूंगी। आप मेरा कभी गलत नहीं सोच सकते। बाप का दिल माँ की तरह नहीं होता है जो एकदम खोलकर बच्चों के सामने रखते, लेकिन आज मुझे भी उतनी तकलीफ है बेटा जितनी तेरी माँ को। तो दुनिया की रीत में बंधा हूं, वरना तुझे कभी दूर नहीं जाने देता, किसी को तुझे मुझसे नहीं छीनने देता। सुगना, सुगना देख मेरी ओर, सुगना ऐसे चुप मत रह, तेरा कलेजा फट जाएगा। जो कुछ भी हुआ वो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पर अब हकीकत यही है सपना कि तेरा प्रताप नहीं रहा, चले गए वो। से कौन सा गजरा पहनेगी तू? कौन से रंग के फूल ज्यादा पसंद है तुझे? ये पीले वाले बहुत भाते हैं मुझे। ये पीले फूले क्यों? ऐसे ही तेरी मुस्कुराहट बता रही है इन पीले फूलों के पीछे भी कोई ना कोई कहानी जरूर है। पता ना, एक दिन ना प्रताप मेरे लिए फूल लेकर आए थे, तो मैंने उनसे कहा था कि गौने वाले दिन जब मेरे घर आए तो अपने साथ ही फूल जरूर लेकर आना। मैं इन्हीं फूलों का गजरा पहन के अपने घर से विदा होंगी। और प्रताप ने मुझे वचन दिया था कि वो अपने साथ ही फूल जरूर लेकर आएंगे। अब देखते हैं ताईसा कि प्रताप को अपना वचन याद आता है कि नहीं। नंदोई सा फूल लाना भूल गए तो?
मैं उनके साथ सासरे ही नहीं जाऊंगी, रूठ कर यहीं पर बैठ जाऊंगी। चुप मत रह सुगना, कुछ तो बोल, वो वापस नहीं आएंगे सुगना, वो नहीं रहे तेरा दर्द देखने के लिए, अब यही तेरी तकदीर का सच है और यही तेरी तकदीर सुगना। बाल विवाह बहुत से बाल वधुओं के अधूरे और टूटे सपनों के लिए जिम्मेदार है।